बाल विकास परियोजना के तहत हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं, लेकिन यहां पर आज कई वर्षों से आंगनबाड़ी यहां भवन नहीं बनी है और न चल रही है। इस गांव में लगभग 300 गर्भधात्री महिलाएं हैं और 10 गर्भवती और 100 किशोरियाँ। ये सब समय समय पर टीकाकरण नहीं लेने के कारण बहुत बीमारी से झेल रहे हैं। यहाँ खास करके आंगनबाड़ी का समस्या है, जो कि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। किशोरी भी लड़की लोग को, धात्री महिला लोग को और भी बच्चा लोग को भी बहुत दिक्कत होता है, जो कि राशन उशन कुछ भी मिलता तो हम लोग को नहीं मिल पाता। यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है आंगनबाड़ी के लिए। तो वहाँ हम लोग जाते हैं तो रास्ता में नदी उदी भी पड़ता है, तो नदी में बाढ़ उड़ भी आ जाता है, तो उस टाइम बहुत दिक्कत होता है। कोई कोई महीना में तो हम लोग को टीकाकरण भी छूट जाता है। मतलब जो सरकार के पास जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। खाली वही टीकाकरण लगाने के लिए जाते हैं तो वही खाली सुइया भी पड़ता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। हम लोग को अगल बगल गांव है उसमें और सही लोग को सबको मिलता है, यहाँ नहीं मिलता हम लोग को। हम लोग को यहाँ कोई साधने नहीं हुआ है तो क्या मिलेगा? बिधानी गांव में आंगनबाड़ी अभी तक आया ही नहीं है, सुइया भी नहीं लगा है हम लोग का, ना गोली उली कुछ नहीं मिलता हम लोग को। और लड़की लोग को आयरन गोली मिलता है सप्ताह में खाने के लिए, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। मैं मेरे समुदाय के लोग चाहते हैं कि इस गांव में आंगनबाड़ी हो और आंगनबाड़ी से मिलने वाला पोषाहार जो सुविधा है सरकार द्वारा वो प्राप्त हो। इस समस्या का समाधान जिला चतरा के CDPO सुषमा कुमारी कर सकती है। इनका मोबाइल नंबर है 96-93-16-62-08। इस नंबर पर संपर्क करें और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि हमें मदद करें। मैं रेशमी देवी, जिला चतरा से, इंडिया अनहट के लिए।